स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल साइंस सोल्यूशन। साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं, बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट। क्या आप इसे जानते हैं, पहचानते हैं? लुक हियर, यू नो व्हाट इट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखा जाए, देखिए ये देखिए झाग उठ रहा है, इसमें से देख रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से ये झाग बनना शुरू हो गया। इसको डालते ही जब हम ये नींबू की कुछ बूंदे इस पे डाले तो क्या बनने लगा, ये झाग बनने लगा। अब तो आप पहचान गए होंगे, नहीं पहचाना तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये शानदार सा प्रोडक्ट जो आपके सामने है ये है क्या। दोस्तों, ये हमारे किचन में, आप सबके किचन में पाया जाने वाला बहुत ही सस्ता और शानदार सा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बेकिंग सोडा। ओके, तो समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक है खाने का सोडा। खाने का सोडा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बेकिंग, बेकिंग सोडा। राइट, तो व्हाट द केमिकल फार्मूला ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये खाने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो हमारे किचन में, सबके किचनों में पाया जाता है। आज इसका जो बहुत ही उपयोगी, ये किस तरह से आपके लिए होता है, सिद्ध होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ध्यान से हमारा वीडियो देखें आप। तो सबसे पहले तो इसको बनाते कहते हैं बिरचन, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग सोडा। तो दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, ठीक, इसके जलीय विलयन में, पानी में इसको घोल दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, तो ये बन जाता है हमारा NaHCO3। राइट, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक बात है। अब राइट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या होता है इसका, भौतिक गुण मतलब देखने में कैसा होता है, तो आपको दिखाया मैंने, देखने में फिर से एक बार देख लें कैसा है। देखिए, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉइजन नहीं है, ये आपके घर में पाया जाए, इसको आप चेक भी सकते हो, देखो हल्का सा इसको चेक सकते हैं। राइट, अच्छा, तो ये सफेद रंग का क्रिस्टली चूर्ण होता है, ठीक बात है। और सबसे खास बात कि इसका, अगर जब इसको हम पानी में घोल देते हैं तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका जली बिलियन। तो ऐसे पता, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्या होते हैं, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो दोस्तों, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। राइट, अच्छा देखो, तो जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो इस कारण भी इसका बहुत सारा उपयोग है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को एसिडिक प्रॉब्लम हो गई और आपके घर में एंटासिड नहीं है, एसिलाग की दवा नहीं है,
गैस की दवा नहीं है, और बहुत ज्यादा किसी को एसिडिक प्रॉब्लम हो गई है पेट में, तो आप तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं। एक चुटकी मीठा सोडा लें, एक गिलास पानी में उसको डिजोल्व करें और उसके बाद पेशेंट को पिला दें। 100% उसको तत्काल फास्ट एड में राहत मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके घर में रखी हुई स्पेशल दवा है जिससे आप एसिडिक प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है यार, तो ये रासायनिक गुण में जैसे ये होता क्षारी है, तो NaHCO3 इसको जब हमारा पेट में क्या बनता है, एसिड HCl बनता है, तो जब हम HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नमक बना देगा, NaCl बना देगा, फिर पानी बना देगा, और फिर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो आप एक गिलास पानी में एक चुटकी मीठा सोडा घोल के उसको पी सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे इससे एसिडिक प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कि तो जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें भी इसकी अल्प मात्रा दी जाती है कुछ दिनों तक, तो फिलहाल डॉक्टर के सलाह पे ही ऐसा करें। ठीक है, लेकिन ये नुस्खा तो एकदम रामबाण है भैया, हम यूरिक एसिड के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये नुस्खा एसिडिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एक नंबर का रामबाण नुस्खा है जिसको आप आजमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी जिसका है भैया कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaSCO3 है, इसको जब हम गर्म करते हैं है? तो गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो गर्म करने पर क्या बनाएगा, ये Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2, यानी इसका ठीक उल्टा रिएक्शन है, तो 2NaSCO3, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखो, अब इससे भी क्या फायदा है आपको, तो देखिए भैया जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। अगर आग कहीं लगी हो और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्वलनशील गैस है जो आग को बुझाने में हेल्पफुल होती है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों का जो यंत्र हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा अन्य उपयोग देखिए, अगर दूध है ना, मिल्क मिल्क है तो वो फट जाता है घर में रखने पे, है ठीक है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, फर्मिनेशन हो जाता है। तो फर्मिनेशन में किण्वन होता है, तो उसको रोकने के लिए आप चाहें तो दूध में थोड़ी मात्रा में, अगर अल्प मात्रा में इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो दूध को देर तक फटने से रोका जा सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है, आप इसको घर में आजमा सकते हैं। ठीक बात है, अच्छा अगला उपयोग है, आप देखिए जो ब्रेड होता है, डबल रोटी या पाव रोटी जिसको कहते हैं, ब्रेड है या जो भी इस तरह के आइटम है बेकरी वाले, जो मतलब उत्फुल्लन का गुण जिसमें जो फूले हुए रहते हैं खाने वाले पदार्थ, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, घरों में भी आप जो पकवान बनते हैं, हैं तमाम पकवान जो होली दिवाली में आपके बनाए जाते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक बात है, अच्छा दूसरी बात ये भैया, बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक, डू यू नो व्हाट आर एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक को हिंदी में प्रतिरोधी कहते हैं, और एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो त्वचा की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक यानी इसको कटे जले पे लगाने पे भी, अगर मान लीजिए किचन में है, आप कहीं हल्का फुल्का जल जाते हैं तो पानी में थोड़ा सा लगा के इसको जले हुए स्थान पे लगा लें, रब कर दें, हल्का सा लगा दें, लेप लगा दें, निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगा। आई बस सुन, ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है बहुत सारी खूबियों वाला प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसका लाभ अपने लाइफ में जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।